पास जाने ही नहीं दे। अब मुझे तो बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कितने हजार लेते हैं बताओ, पहले 20,000-30,000 भाई को कहां से मकान बनेगा बता। अरे और तो और, तूफान आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए पैसा भेजा, लेकिन ममता दीदी जनता के पास नहीं गया, भाई को खा गया, टीएमसी वाले खा गए। अरे मुझे तो ये बताया त्रिपाल का पैसा खा गए, त्रिपाल का, त्रिपाल समझ गए ना, जो छाए करने के लिए आता है, ये त्रिपाल में खा गए, ये लोहा खा जाए, ये सीमेंट যদি আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করেন হাসপাতাল তৈরি করার চেষ্টা করবো। আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর পরিমাণে পিছিয়ে আছি, যদি আমাদের কোনো কিছু হঠাৎ করে কোনো আমাদের অসুবিধা হয় আমাদের কাঁথি বা তমলুক ছুটতে হয়, কিন্তু গরিব মানুষকে এত তো ছুটতে হবে না, প্রত্যেকটি অঞ্চলে তার জন্য সুব্যবস্থা থাকবে এবং প্রচুর পরিমাণে ডাক্তার থাকবে, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আমি করার চেষ্টা করবো। और बोलिए भारत माता की, भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत का भी प्रणाम, नमस्कार। दीदी को जनता से मतलब नहीं है, भाई को, और वो भाई को सब खा रहा है, वो टोलाबाजी टैक्स वसूलता है। जनता गरीब हो गई, भाई को ने अरबों की संपत्ति बना ली, सिंडिकेट बन गया, बिना पैसा दिए जाए कुछ नहीं होता। अच्छा खाए भी क्या क्या, ये निर्माण के काम में खा जाए, ये सड़कों का पैसा खा जाए, ये सीमेंट खा जाए, ये लोहा खा जाए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा खा जाए, जनता के पास जाने ही नहीं दे। अब मुझे तो बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कितने हजार लेते हैं बताओ, पहले 20,000-30,000 भाई को कहां से मकान बनेगा बताओ। यहाँ पब्लिक मीटिंग की, शांतनु जी हमारे उम्मीदवार हैं, और जनता के मन में जो उत्साह मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, टीएमसी की गुंडागर्दी, बम और पिस्तौल की गोल और बंदूक की राजनीति ये जनता पूरी तरह से समाप्त करेगी। प्रण कर चुकी है कि टीएमसी का टेरर नहीं चलने देंगे, मारकाट नहीं चलने देंगे, करप्शन नहीं चलने देंगे, मोदी जी के विकास के साथ रहकर सोनार बांग्ला बनाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बंगाल में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और टीएमसी को हटाने के लिए। ये नंदीग्राम के टीएमसी नेता कह रहे हैं कि अगर वहां से बीजेपी जीत गई तो हम अपना हाथ काट लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं क्या इस तरह? हम तो मारकाट की बात करते ही नहीं है, हम तो विकास की बात करते हैं, हम जीतेंगे और विकास करेंगे। खेला है खेलो, खेला होवे सस्ती दारू देने का खेला, और ये खेला क्यों हो रहा है दीदी? ये खेला इसलिए हो रहा है कि चुनाव आ गए, मुझे बता रहे थे कि टीएमसी वाले आते हैं चुनाव की रात और दारू बांटते, दारू ले लो वोट दे दो, ये दारू का खेला, ये खेला फिर खेलेंगे टीएमसी वाले। एक कहानी सुनाता हूं आप, जंगल में एक साधु रहते थे बाबा, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की पूजन करते थे, देवी माँ की पूजन करते थे, दुर्गा पूजा,
और मस्त रहते थे। उनके आश्रम के आसपास कई पक्षी हुआ करते थे। एक दिन एक शिकारी ने देखा कि बहुत से पक्षी है, तो वो जान लेके आया, अपने साथ दाने भी लाया। उसने दाने लाए, इसके धान के डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दाने चुगने दानों पर बैठ गए, और जैसे ही दानों पर बैठे तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब रोज शिकारी आता, दाने डालता, पक्षी बैठते, जाल बिछाता, पकड़ के ले जाता। बाबा को बहुत तकलीफ होती कि पक्षियों को पकड़ के शिकारी ले जाता है। एक दिन बाबा ने पक्षियों को बुलाया और कहा कि देखो, ये शिकारी आता है, दाने डालता है, तुम दानों पर बैठते हो, पकड़ के ले जाता है। तो पक्षियों का क्या करें महाराज, हम क्या कर सकते हैं? तो बाबा बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र रट लो तो शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। पक्षी खुश हो गए, क्या बाबा बताइए मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा, मैं जो कहूं कहना रटना। बोले, हाँ रटेंगे। तो बाबा बोले, शिकारी आएगा? तो सब पक्षियों ने कहा, शिकारी आएगा, दाने डालेगा। तो सबने कहा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा। तो सबने कहा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा, हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रट लिया और वो गाने लगे कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा कि समझ गया, नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी को देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा, अपनी दाल गलेगी नहीं, ये तो समझ गए, लेकिन फिर सोचा दाना डाल के देखते हैं। तो शिकारी ने दाने डाले, पक्षियों ने दानों की तरफ देखा और दानों की तरफ जाने लगे। जाते जाते कह रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ये कहते कहते दानों पे जाकर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ लिया, लेकिन जाल में जो पक्षी थे वो भी कह रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा। आज मेरे बहनों भाइयों, संकल्प लो कि हम भाजपा को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, शांतनु को अपने MLA बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों मुट्ठी बांध के, और आज तो खड़े होके आशीर्वाद दे दो, संकल्प ले लो, अपनी जगह पे खड़े होके, अपनी जगह पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, शांतनु को जिताएंगे, संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, भाग्य राम उठी और बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, मामा का भी प्रणाम, नमस्कार।